सिद्धानं नमोकिच्चा संजयानं च भावो सिद्धों को वंदना संयमृत की और प्रशस्त हर आत्म संपदा। आंखें कोमलता से बंद अरहतों के और सिद्धों साधुओं की शरण में जा रहा हूँ केवली भाषित धर्म की शरण में। स्वस्थ मन से और वाणी कर्म से अभिवंदना करूं मैं नित अरहतों की भाव भीनी वंदना भाव भीनी वंदना। हे मन, भगवंत वचन की स्वाध्याय में अनेक अंश उन अंशों से विभिन्न धारणाएं मन में बन रही। कई धारणाएं सत्य को लेकर हो सकता है, कई धारणाएं मिथ्या के अनुरूप हो सकता है। हे मन, तुम गहन चिंतक हो, दीर्घ विहारी हो, अनेक अनुभवों के धारी हो। हे मन, मिथ्या से निकलकर सत्य की ओर प्रस्थान करना, सत्य के विहार में सम्यक्त्व को प्राप्त करना, सम्यक्त्व को प्राप्त कर स्वयं का परिचय लेना, स्वयं का परिचय प्राप्त कर स्वयं में स्थित होना, यह ही लक्ष्य बने, यह ही मेरा लक्ष्य बने, यह ही मेरा गंतव्य बने। लोक पर्यंत विद्यमान सर्व केवली भगवंतों को वंदना। मेरे निज स्वरूप के परिचायक गुरुदेव आपको वंदना। लोक पर्यंत विद्यमान सर्व साधु साध्वियों को वंदन। मेरे निज स्वरूप आत्म संपदा हर निमित्त मेरे परम उपकारी है, हर निमित्त को अनंत अनंत कृतज्ञता, अनंत अनंत आभार। यह उपकृत भाव मन में स्पष्ट बने, यह उपकृत भाव मन में स्थिर बने। हर निमित्त को मैं परम उपकारी मानूं, स्वीकारूं सहज भाव के साथ, हर निमित्त को निर्दोष मानते हुए विनय से विहार करूं। ऐसी स्थिति में बनूं। ओम अरहम। आप सबके उपकार से सूत्र कृतांक के स्वाध्याय का सानिध्य प्राप्त हो रहा। सूत्र कृत भगवंत कृत व्याख्या को पढ़ते हुए नवम अध्ययन धर्म की व्याख्या चल रही। धर्म के माध्यम से भगवान का मार्गदर्शन न केवल संयमी के लिए, भाव संयम की ओर विहार करने वाले, भाव शुद्धि की ओर विहार करने वाले हर एक साधक के लिए एक पगडंडी है, ऐसा प्रतीत होता है। कल के विषय को एक दृष्टि से देखते हुए बताया गया कि शीलवान जो व्यवहार से शीलवान होता है पर निश्चय से नहीं, यानी अनेकों बार ऐसे होता है कि हम अच्छा बनने का प्रयास करते हैं। किसके लिए अच्छा बनने का प्रयास करते हैं? लोगों की दृष्टि में अच्छा बनने का प्रयास, पर के साथ अच्छा बनने का प्रयास, पर के साथ अच्छा व्यवहार करने का प्रयास। ये प्रयास क्यों? ये प्रयास तो एक अभिनय है। पर के लिए अच्छा बनना एक अभिनय है, अच्छा स्वयं के लिए बनना है। स्वयं को जो आनंद का अनुभव कराए वह ही अच्छा है, स्वयं को जो आत्मानुभूति कराए वह ही अच्छा है, उसी और प्रस्थान होना है। कल एक 28वीं गाथा पर हम विहार कर रहे कि भिक्षु सदा अकुशील रहे, कुशील के साथ संसर्ग न करे। कुशील यानी जिससे मेरा शील टूटता हो, मेरा शील भंग होता हो। शील कैसे भंग होता है?
जीव जब इच्छा करता है तब भंग होता है, यानी मोह करता है तब भंग होता है। मोह कब करता है? उदय के परिणाम से, जब निमित्त सामने, निमित्त का स्पर्श होता है, तो निमित्त के स्पर्श होते ही जीव की दो स्थितियां बनती है। निमित्त के स्पर्श होते ही जीव प्रमाद में चले जाए उस निमित्त के साथ जुड़कर, या फिर जागृति में रहे निमित्त को जानते देखते हुए ज्ञान से। दो स्थितियां है, एक स्थिति मिथ्यात्व की है, एक स्थिति सम्यक्त्व की है। तो जब भी निमित्त का हमारे साथ स्पर्श हो, उस स्पर्श के क्षण में हम उस निमित्त के साथ जुड़कर हम भी बह गए, या फिर निमित्त को जागृति के साथ देख रहे, दो स्थितियां बनती है। भगवान ने मार्गदर्शन दिया दशवेकालिक के माध्यम से, कितने प्रकार से ये निमित्त का स्पर्श जीव को हो सकता है, जिसके कारण जीव प्रमाद में प्रवाहित होता है, उसके प्रकार 18,000 बर फरमाए हैं। 18,000 प्रकार से जीव निमित्त के स्पर्श को प्राप्त करता है, और स्पर्श के परिणाम से, स्पर्श के समय या तो प्रमादी होकर प्रवाहित हो सकता है, या फिर जागृति के साथ गहन निर्जरा कर उत्थान की ओर प्रस्थान कर सकता है। हमें इन क्षणों को पहचानना है, वे 18,000 प्रकार क्या है, जिसके प्रकार से, यानी इतने प्रकारों से जीव के सामने निमित्त का स्पर्श होता है। इन 18,000 प्रकारों का विभाजन 5 इंद्रिय के आधार पर है, 5 इंद्रिय और मन के आधार पर है। इसको आने वाले समय में विवेचन लेने का भाव रखता हूं। अभी इस अध्ययन के इस विषय पर कि कुशील के संसर्ग न करें, 18,000 प्रकार से जब निमित्त आपको स्पर्श करता है, उस समय आप निमित्त के साथ जुड़कर प्रवाहित न हो, क्या होता है प्रवाहित होने पर, उनके संसर्ग में अनुकूल उपसर्ग उत्पन्न होते हैं। अनुकूल उपसर्ग क्या है? ये अनुकूल उपसर्ग क्या है जिससे दुविधा उत्पन्न हो सकती है निमित्त के संसर्ग से, यानी निमित्त सामने आता है, हमें स्पर्श करता है, उदय के क्षण में वो 18,000 प्रकार से हमें स्पर्श करता है, संभावना वो 18,000 प्रकार से भिन्न भिन्न रूप से जब स्पर्श करता है, उस समय उस संसर्ग के परिणाम से जीव को पुनः पुनः अनुकूल उपसर्ग उत्पन्न होने की संभावना है। उदाहरण में गर्मी लग रही है, गर्मी क्यों लग रही है? यथार्थ दृष्टि देखा जाए तो अपने भीतर असाता वेदनीय कर्मों के उदय के परिणाम से गर्मी लग रही है। इस असाता वेदनीय कर्म के उदय का परिणाम में यह प्रकृति उसका एक सहयोगी बन जाता है तत्व के रूप में। गर्मी के समय में वनस्पति जितने भी है उनको उस गर्मी से पोषण मिलता है। कई वनस्पतियों के लिए वही आताप अनुकूल होता है, क्योंकि उस निमित्त से, सूर्य के निमित्त से, उस आताप के निमित्त से इनके असाता वेदनीय कर्म का उदय का भोग चल रहा, यानी असाता वेदनीय कर्म के उदय के परिणाम से वह गर्मी का स्पर्श भी उनको ताता लग रहा। कहने का तात्पर्य है कि जब गर्मी लग रही है तो हम दो स्थितियों में जाते हैं, या तो गर्मी को देखते हैं कि मेरे कर्मों का उदय है और उदीर्णा हो रही है, वह साधुत्व की ओर विहार करने वाला इस भाव से चलता है, अपने कर्मों से लड़ने वाला इस भाव से चलता है, अपने कर्मों को देखने के प्रयास करने वाला प्रतिकूल क्षणों में उन प्रतिकूलता के उदय के परिणामों को देखने का प्रयास करता है। क्या गृहस्थी होने के नाते हर समय हमारे लिए संभव है? असंभव तो नहीं है, पर संभव करने का प्रयास होना चाहिए कि कम से कम हर समय नहीं हो तो जब जब भी अध्यात्म का कार्य करें, जब जब भी अध्यात्म में तल्लीन होने का प्रयास, जब जब भी स्व अनुभव के, स्वयं के साथ परिचय प्राप्त करने की प्रयोग, यानी सामायिक ध्यान साधनाएं जब भी करते हैं, उस समय यह प्रयास रहे
कि इस मन और तन को अनुकूलता देने वाली जो भी चीजें हैं उससे बचने का प्रयास, जैसे पंखे की हवा, एसी की हवा और बहुत अनुकूल जगह, अनुकूलता, ऐसा न उसकी इच्छा न करते हुए सहज रूप से जो स्थिति प्राप्त है उस स्थिति में रहने का प्रयास। एक सिर्फ प्रयोग है जिससे हम अनुकूल उपसर्गों को उत्पन्न होने से बचा सके। अब वापस अपने उदाहरण पर आते हुए कि अनुकूल उपसर्ग कैसे उत्पन्न होते हैं, और भगवान ने सुंदर शब्द कहा कि अनुकूल उपसर्ग है ये। अनुकूलता कभी उपसर्ग हो सकता है? उपसर्ग तो प्रतिकूलता को कहेंगे ना, जो तकलीफ देता है उसे उपसर्ग कहेंगे, जो अपने बाधा देता है उसे उपसर्ग कहेंगे, जो कंफर्टेबल नहीं है उसको उपसर्ग कहेंगे। लेकिन इस गाथा में तो भगवान ने कहा कि अनुकूल उपसर्ग है ये, अनुकूलता भी एक उपसर्ग है। सुहरुवा यानी सुख रूप, तत्वसग्गा यानी तत्र उपसर्ग है। सुहरुवा या सुख रूप लगने वाला तो एक उपसर्ग है जो अनुकूलता पैदा कर रहा है, जो कंफर्ट दे रहा है हमको, ये उपसर्ग है। ये उपसर्ग क्यों है? उपसर्ग यानी आपको चलाने वाला, बाजू में चलने वाला, चलाने वाला। एक तो हम अपनी गाड़ी में चलते हैं, एक गाड़ी से उतरकर गाड़ी के बाहर चलते हैं, यह उपसर्ग यानी गाड़ी के बाहर चलने वाली यात्रा है। जो स्वयं में स्थित है वो आत्मस्थ है, जो आत्मा से बाहर चलता है वह चलाता है, वह उपसर्ग है। यानी उपसर्ग अपने निकट चलने वाला, अपने निकट यानी अपने से बाहर होकर चलने वाला। ये अनुकूल उपसर्ग कैसे हुआ कि जब जब अनुकूलता मिली, कंफर्ट मिलता है, जीव कैरीड अवे हो जाता है, प्रमाद में प्रवाहित होने लगता है। प्रमाद में प्रवाहित होने में जितना प्रतिकूल नहीं कराता उतना अनुकूल उपसर्ग करा देता है। मतलब अनकंफर्टेबल सिचुएशन में जितना प्रमाद नहीं होता है उससे ज्यादा प्रमाद कंफर्टेबल सिचुएशन में होने लगता है, क्योंकि वो मदमस्त होकर अपनी प्रीति में इस रूप में बहता है कि उसको पता ही नहीं चलता कि वो प्रमाद में बह रहा है। उन संसर्गों को यानी जब भी, जैसे पंखे का उदाहरण चला, गर्मी का उदाहरण चला कि शरीर को गर्मी लग रही है वेदनीय कर्मों के उदय के परिणाम से, तक्षण मन की मांग क्या होगी? मन की मांग होगी कि पंखा एसी आदि चाहिए, मन की मांग हो रही है। जब वहां पर मन की मांग को भी अगर विराम देकर व्यक्ति सहन करता है कि मेरे उदय का परिणाम है, थोड़ा इसको सह लूं, जितना समय आप सह पा रहे हो वह क्षण तपस्या का क्षण हो गया। वहां पर सुयक्खा या धर्मस्थ की स्थापना होती है अगर समझ के साथ सहन कर रहे हो। कैसे? पड़ा था कि अनुकूलता की मांग भी कर्मों का बंधन कराता है। अब देख रहे हो कि गर्मी लग रही है और मन अनुकूलता की मांग कर रहा है, इस पर ध्यान जा रहा है। अब अप्लाई कर रहे हो कि हम अभी पंखे को नहीं चलाऊंगा, एसी को नहीं चलाऊंगा, मैं संभाव में रहने का प्रयास करूंगा, सहने का प्रयास करूंगा। वहां सहने का जो क्रम है वह क्रम सुतपस्वित आपकी तपस्या है। जब जब कर्म के उदय के परिणाम से कोई स्थिति उत्पन्न होती है, वह स्थिति प्रतिकूल हो यानी अनकंफर्टेबल हो और वहां पर आप संभाव में रह गए, सह गए, तो बड़ी तपस्या हो गई आपकी, तपस्या की यात्रा हो गई, क्योंकि आप वहां तप रहे हो और आपके तपने में कर्मों का निर्जरण प्रारंभ है। इस अपेक्षा से वह तवमग गई, तपो मार्ग गति हो गया, जो उत्तर अध्ययन सूत्र का एक अध्ययन इस विषय पर स्थापित है। और जहां पर सहन नहीं हुआ और हमने प्रतिक्रिया किया, सहन नहीं हुआ और प्रतिक्रिया किया यानी संसर्ग किया निमित्त से, सहन नहीं हुआ, प्रतिक्रिया करते ही नए कर्मों का बंधन और आयतन चालू हो गया, कषाय क्रोध मान माया लोक का आयतन चालू हो गया, चक्र चालू हो गया। अब उनके संसर्ग से, सहन नहीं हुआ, निमित्त के साथ हमने संसर्ग कर लिया, वह अनुकूल उपसर्ग कैसे बनेगा? वह अनुकूलता की मांग को पुष्ट करता है,
अगली बार जब भी गर्मी लगते ही इमीडिएटली हाथ एसी के रिमोट पर जाएगा कि छोड़ दो, क्योंकि पिछली बार गर्मी लगने पर इसी का सहारा लिए थे। अब अभी गर्मी लगती है तो वही याद आता है, वही मांग उत्पन्न होती है। यह अपने आप को भुलाकर उसकी हवा में हम प्रमादी होकर प्रवाहित होते हैं, वह स्थिति है। एक विषय चला था कि जब भी कर्म का उदय होता है, कषाय का उदय होता है, उस कषाय के उदय को देखने का प्रयास। क्यों देखें कषाय के उदय को? देखने वाला तो परम है, देखने वाला तो स्व आत्मा है, जानने वाला तो स्वयं है, वह जानने वाला दृष्टा और ज्ञाता है। और हम कषाय को क्यों देखें? इस कारण से देखें, हम कषाय तो है नहीं, हम तो परम सत्ता है, हम तो परम आत्म स्वरूप है, फिर हम कषाय को क्यों देखें? इस पर एक छोटा सा दृष्टांत। एक व्यापारी व्यापार करता है, उसके दुकान में जब भी हिसाब मिलाया तो नुकसान दिखा रहा, पर नुकसान कहीं दिख नहीं रहा। तो थोड़ा सा छानबीन करने पर पता चला कि कहीं ना तो कुछ चोरी हो रहा है। जिस समय चोर आता है उस समय मैं जागृति में नहीं हूं, उसी समय में चोर आकर चोरी करके चला जाता है और मेरा नुकसान कर जाता है। अब अगर व्यक्ति जागृत होकर चोर के आने के समय सिर्फ जागृति से बैठे रहे तो वह दर पर आया हुआ चोर भी दर से ही वापस चले जाएगा, भीतर प्रवेश कर, भीतर कोलाहल कर, भीतर नुकसान करने का प्रयास नहीं करेगा। अगर देखता है कि जिस समय मैं आया उस समय मालिक जगा हुआ बैठा है तो चोर भीतर कैसे प्रवेश करेगा, वो तो बाहर से ही देखकर निकल जाएगा, भीतर का नुकसान कुछ होने की संभावना नहीं। उसी भांति कषाय जब उदय में आकर अपना परिणाम देता है, उस परिणाम में जीव जागृत होकर उन कषाय से होने वाले प्रकंपनों को जब देखता है तो वह प्रकंपन गहन निर्जरा को प्राप्त होकर आत्मस्थिति में स्थिर होने में सहयोग दे सकता है। संभवतः थोड़ा सा गहन प्रयोग हो सकता है। जब भी अपने जीवन में कषाय के उदय का क्षण हो, क्रोध आया, तक्षण आंखें बंद करके ढूंढिए क्रोध कहां पर है। यह बोधि धर्मा के जीवन का एक अंश यहां बताने का भाव रखता संक्षिप्त में। एक बार बोधि धर्मा एक राजा के पास गया। राजा ने कहा कि महाराज, मेरा मन बहुत बेचैन रहता है, मेरा मन बहुत तनावग्रस्त रहता है, कैसे मैं इस तनाव को मिटाऊं? तो बोधि धर्मा ने तक्षण कहा कि तुम जब भी आओगे ना मेरे गुफा में कल सुबह 4 बजे आ जा। बोले ठीक है महाराज, आता हूं, तुम्हें प्रयोग देता हूं, उस प्रयोग से तुम्हारा तनाव समाप्त हो जाएगा, मन बेचैनी से मुक्त हो जाएगा। बोले ठीक है महाराज, आ जाऊंगा। जाते जाते एक बात कह गए जिससे महाराज को लगा कि कैसा पागल व्यक्ति। जाते जाते कह गए, आते आते भूलना मत अपने मन को साथ में लेकर आना। राजा ने सोचा फकीर है, कुछ बात कह रहा है, कोई बात नहीं चलेंगे। तो महाराजा गए, दूसरे दिन 4 बजे बोधि धर्मा के सामने जाकर बैठे। उन्नत ज्ञान के शिखर माने जाते हैं बोधि धर्मा बौद्ध धर्म में। उन्होंने कहा, महाराज आप पधार गए? तो राजा बोले, हां मुनि प्रवर पधार गया। तो मन को साथ में लाए हो? महाराज सोचते हैं यह कैसी स्थिति है, क्या व्यक्ति कोई बिना मन चल सकता है? फिर भी व्यवहार में समाधान दे दिया कि हां महाराज साथ में लाए, बैठो इधर, पद्मासन लगाकर बैठो और ढूंढो वह मन जिसको साथ में लाए वो कहां है, जो बेचैन हो रहा है। महाराज आंखें बंद करके उसको ढूंढने लगे कि कहां है वह मन जो बेचैन हो रहा है, कहां है वो बेचैनी, कहां उठ रही वो प्रकंपन, कहां से उठ रही वो प्रकंपन, कहां प्रभावित कर रही वो प्रकंपन। इस पर दृष्टि टिकाने का प्रयास किए। दृष्टि टिकाते ही धीरे धीरे वे सारे प्रकंपन शांत हो गए। छोटा बच्चा भी मस्ती करता है तो आप उनको डांटने की और कुछ कहने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक दृष्टि उस पर टिकाते ही वो एकदम शांत हो जाएगा। उसी प्रकार अपने भीतर जब भी प्रकंपन उत्पन्न होते हैं
उस पर दृष्टि टिकाने पर। किस प्रकार दृष्टि टिकाना है? निमित्त से जुड़े बिना एगंतो अनुपस्थई, एकांत की यात्रा, एकांत का विहार, एकला चलोरे की बात जब चलती है कि अकेला चलना, उस निमित्त से जुड़े बिना मात्र उसके परिणामों को, उदय के परिणामों का दर्शन, उदय के परिणाम जो किस प्रकार से होंगे, लाभ अलाभ सुख दुख आदि आदि के रूप में, लाभम अलाभम सुहम दुखम सकारम असकारम सत्कार असत्कार के रूप में भिन्न भिन्न प्रकार से उदय के परिणाम होंगे। इन सब परिणामों को पच्चक्कनुभव माने अनिच्छ जागरियम विहरित्ता, प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए यानी उसको देखते जानते हुए, यह मेरा कथन नहीं भगवान का कथन प्रतीत होता है आगम के माध्यम से कि उसको देखते हुए प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए अनित्य का बोध प्राप्त करते हुए जागृति के साथ विहार करें, क्योंकि देखने वाला स्वयं की सत्ता ज्ञान है, जानने वाला स्वयं की परम सत्ता युक्त आत्मा है, इनके माध्यम से हम देखते हैं ऐसा प्रतीत होता है। वापस विषय पर आते हुए कि उसके संसर्ग में अनुकूल उपसर्ग होता है, मन अनुकूलताओं का आश्रय होता है, जहां अनुकूलता मिलती है वहां मन को अनुकूलताओं के क्षणों में, अनुकूलता के मांग के क्षणों में मन को परीक्षा दी जाएगी, वैसे वैसे परीक्षा में उत्तीर्ण होते जाएंगे, उत्तीर्णता के साथ मन का क्लास बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे मन का क्लास बढ़ता गया सम की क्षमता बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे सम की क्षमता बढ़ती गई निर्जरा का क्षण बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे निर्जरा की स्थितियां बढ़ती गई आवरण हटता जाएगा, जैसे जैसे आवरण हटता गया समझ प्रकट होता जाएगा, जैसे जैसे समझ प्रकट होता गया वैसे वैसे प्रमाद घटता जाएगा, जैसे जैसे प्रमाद घटता जाएगा वैसे वैसे बंधन कटता जाएगा और घटता जाएगा, जैसे जैसे बंधन घटता जाएगा वैसे वैसे भाव और भव का भ्रमण विराम की ओर प्रस्थान करेगा, और जैसे जैसे भाव और भव भ्रमण की ओर विराम की ओर प्रस्थान करता है जीव आत्मानुभव की ओर प्रस्तुत होता है, संभवतः गुरु कृपा से ऐसा प्रतीत होता है। क्षमायाचन बताने का तात्पर्य है उदय के क्षण, अब तक की जो समझ प्राप्त हुई उसके अनुसार उदय के क्षण में जीव जागृत विहारी बनकर आने वाले चोर को आने से रोकने का प्रयास करना चाहिए। अगली गाथा की ओर बढ़ते हुए, मुनि किसी बाधा के बिना गृहस्थ के घर में ना बैठें, काम क्रीड़ा और कुमार क्रीड़ा ना करें, मर्यादा रहित को न हंसें। यह एक आई ओपनर है आपके उपकार से स्वयं के लिए भी। मुनि किसी बाधा के बिना गृहस्थ के घर न बैठे। दो अपेक्षाओं से स्वाध्याय चल रहा है आप सब गुरुओं के सानिध्य में। मुनु किसी के बाधा के बिना गृहस्थ के घर में न बैठे, व्यवहार की अपेक्षा कभी जरूरत हो तो ही मुनि किसी गृहस्थी के घर में बैठने का प्रयास करें। निश्चय की अपेक्षा, मुनि यानी साधक जो एकांत विहार कर रहा है, निमित्त के साथ संसर्ग किए बिना यात्रा चला रहा है, वह साधक जब बाधा हो, जब अपेक्षा हो, जब जरूरत हो, उस जरूरी के कारण से वह गृहस्थ में यानी बंधन की ओर विहार करे, वह ठीक है, उसके अलावा वह गृहस्थ के घर में न बैठें, यानी अपने भीतर उस मुनित्व मौनत्व को छोड़कर विहार की यात्रा न करे। इसको और थोड़ा स्पष्ट करते हुए, जब जब उदय आता है, उदय के क्षण में जो जीव संभाव के साथ लड़ता है, संभाव के साथ निमित्त से जुड़े बिना खड़ा होता है, वह मौनी यानी मुनित्व की ओर विहार करने वाला, और जो निमित्त के साथ जुड़ जाता है वह गारहस्थ गृहस्थ। अब जब उदय के समय में
भगवान ने मार्गदर्शन दिया कि संसर्ग ना करें। पूर्व की गाथा 28वीं गाथा में कहा कि संसर्ग ना करें, अब इस गाथा में कह रहे हैं कि गृहस्थ के घर में ना बैठें जब तक कोई बाधा नहीं हो, यानी संसर्ग की जरूरत लगे तो ही संसर्ग करें। उदाहरण में गर्मी का मौसम था, सामयिक करनी थी, सोचा आज बिना पंखा सामयिक करूंगा और संभाव से सहने का प्रयास करूंगा। वहां संभाव से सहना तपस्या हो गई और वहां संभाव जीव के मन को मौन करना हो गया, इच्छा को मौन करना हो गया, जो मुनित्व की ओर विहार, साधुत्व की ओर विहार है। वही पर जो अनुकूलता के आश्रय बन जाते हैं, इच्छा करके इच्छा पूर्ति में लग जाते हैं, पंखा चाहिए, एसी चाहिए, चला लेते हैं, वह गृहस्थी है, भव भ्रमण के यात्री है, संसारी है, ऐसा एक अपेक्षा से कहा जाता है। अब यहां जो मार्गदर्शन, पहले तो कहा कि संसर्ग ना करें, अब कहा कि बिना बाधा के गृहस्थी के घर में ना बैठें, यानी जब अतीव आवश्यकता हो तब ही आप उसका उपयोग करें, पंखे को डाल लें, अन्यथा न डालें। या पंखा तो एक सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं, जो भी अनुकूलताएं हैं उस अनुकूलताओं में मन को परीक्षा करने का प्रयास करें। जैसे शब्दानुकूलता है, यानी किसी के साथ व्याख्या, किसी के साथ बात, किसी के साथ संसर्ग, किसी के साथ हास्य, कोई अपनी प्रशंसा करे तो बड़ी अनुकूलता लगती है। ऐसी अनुकूलताएं बहुत सी है जो बहुत सूक्ष्म है, पकड़ में पहचानने में नहीं आती है और उसके अभाव में दुख उत्पन्न होता है, उसके अभाव का प्रभाव बड़ा बाधित करता है, उपसर्ग उत्पन्न करता है। तो इन क्षणों में मुनि किसी बाधा के बिना गृहस्थी के घर में न बैठे, यानी किसी भी जरूरत हो, जरूर आवश्यकता हो तब ही निमित्त के साथ जुड़कर अपनी पूर्ति करें, और जब तक जरूरत ना हो तब तक स्वयं कर्मों के साथ योद्धा बन लड़ने का प्रयास करें, ऐसा मार्गदर्शन मिल रहा। अगली गाथा में कहा कि काम क्रीड़ा और कुमार क्रीड़ा ना करें। काम क्रीड़ा यानी इच्छा के साथ प्रवृत्ति करना, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए प्रवृत्ति करना, आसक्ति के साथ प्रवृत्ति करना काम क्रीड़ा है। हर प्रकार से खाने पीने के हर चीज की जो इच्छाएं है, उन इच्छाओं को आसक्ति के साथ पूर्ण करने का प्रयास काम क्रीड़ा है। और कुमार क्रीड़ा, कुमार क्रीड़ा यानी वहां पर बचपना, वहां पर व्यक्ति का के मन की एक इनोसेंस है, मन की एक बालपना है, बचपना है। जैसा बच्चा मन में बहुत साफ होता है, कोई कारण नहीं होता, फिर भी धीरे धीरे उसमें जुड़ जाता है, वैसी ही स्थिति कि व्यक्ति मन से तो साफ है लेकिन इनोसेंट है, उस अपनी इनोसेंस में वो जो क्रीड़ा कर लेता है वह तो कैसी होती है, बाल क्रीड़ा। किस प्रकार की होती है वह बाल क्रीड़ा, उसको जब देखा जाए तो ऐसा लगता है कि पहले जीव हास्य में जाता है, हंसने में जाता है, हंसते हंसते वह धीरे धीरे हास्य में जाता है पहले, यानी वो सिर्फ छोटी मोटी बातों में हंसने लगता है, फिर कंदर्प करता है, यानी और थोड़ी गहराई के साथ उस मौज मस्ती में जुड़ जाता है, फिर हस्त स्पर्श आलिंगन आदि आदि का क्रम चालू होता है। मतलब कोई स्पर्श के माध्यम से, कोई आलिंगन के माध्यम से वह जो क्रीड़ाओं में जाता है वह क्रीड़ा कुमार क्रीड़ा कही गई, यानी जो देखने में मामूली हंसते हम हास्य करते हैं, नो कषाय है, कषाय नहीं है, लेकिन कषाय को पोषण देने वाला, कषाय को पुष्टिकरण करने वाला है, ऐसा प्रतीत होता है। गुरु कृपा से आगम के माध्यम से यह जानने को मिला आज आप सबके उपकार से कि किस प्रकार हास्य कषाय को पुष्ट करने वाला होता है, हास्य कंदर्प, कंदर्प स्पर्श, स्पर्श आलिंगन, आलिंगन का स्वरूप आगे जाकर काम क्रीड़ा का बनता है, संभवतः ऐसा लगता है।
विषय थोड़ा गहरा हो सकता है। इसलिए भगवान ने फरमाया कि व्यक्ति हंसे नहीं, ऐसी बात नहीं है, मर्यादा रहित हो न हंसे, वह अपने हंसी में भी एक मर्यादा बनी रहे, ऐसा विवरण प्राप्त होता है। बताने का मकसद ऐसा लग रहा है कि मुनि किसी बाधा के बिना गृहस्थ के घर में न बैठें, इससे भगवान मार्गदर्शन दे रहे हैं कि आवश्यकता होने पर ही निमित्त के साथ संसर्ग हो, आवश्यकता जब तक न हो तब तक जीव आकांक्षाओं पर अंकुश लगाने का प्रयास करें। अनुकूलताएं अपनी आकांक्षाओं को पुष्ट करती है, तो आकांक्षाओं को सीमित करने के लिए अनुकूलताओं पर अंकुश लगाना आवश्यक है। अपने डिजायर्स को लिमिटेड करने के लिए अपने लग्जरीज एंड कंफर्ट्स पर एक फुल स्टॉप लगाना या फिर उसको कम करने का प्रयास करना अपेक्षित है। यह मार्गदर्शन आज मिलता है, समय की सीमा है, मात्र 3 मिनट बचे हैं, अतः छोटे से ध्यान के साथ विराम देने का भाव रखता हूं। आंखें कोमलता से बंद, पूरा शरीर शांत और स्थिर, मन शांत, एकाग्रता ये मन भगवंत की व्याख्या है कि अनुकूलता भी उपसर्ग को पैदा करता है। अनुकूलता को भी उपसर्ग समझें, ऐसा मार्गदर्शन है। पर हे मन, तुम तो अनुकूलता के आश्रयी हो, जहां अनुकूलता दिखे उसमें बह जाते हो। अनुकूलताओं में बहने के प्रयास न हो हे मन, अनुकूलताओं से बचकर स्वयं को तपस्या का अवसर देने का प्रयास कर। जब जब भी तन और मन को प्रतिकूलता उत्पन्न होती है, यानी तकलीफ उत्पन्न होता है तन और मन को, जिस निमित्त के कारण से भी तकलीफ उत्पन्न होता है, उस क्षण संभाव में रहने का प्रयास कर, संभाव में स्थिर होने का प्रयत्न कर। इसी भावना के साथ किसी प्रकार की त्रुटि हुई हो, मिथ्या भाव प्रकट किया हो, भगवान के व्याख्या के विरुद्ध कोई धारणा उत्पन्न हुई हो, तो उन सब क्षणों के लिए बारंबार क्षमा याचना, अवसर के लिए अनंत अनंत कृतज्ञता, अनंत अनंत आभार। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम।